वाराणसी के डीएम ने चुनाव धांधली के आरोपों के बीच ईवीएम प्रभारी को निर्वाचक कार्य से हटाया। गोवा में कांग्रेस ने चुनावी नतीजों से पहले ही राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। कांग्रेस ने मतगणना को लेकर मैदान में उतारी वकीलों की फौज, ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर रखेगी नजर। शुरुआती रुझान में पूर्वांचल की 42 सीटों में से 15 पर बीजेपी, 21 पर समाजवादी पार्टी आगे। ईवीएम पर सपा का घमासान, अखिलेश की अपील पर कहीं बवाल तो कहीं तोड़फोड़। अब आजमगढ़ में वीडियो की गाड़ी से पोस्टल बैलेट बरामद, डीएम ने चुनाव आयोग को लिखा खत। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, वोटों की निष्पक्ष गिनती की अपील की। मतगणना में गड़बड़ी करने वालों को गोली मारने के आदेश को लेकर कानपुर देहात एसपी और डीजीपी आमने सामने। सपा को सता रहा हार का डर, डीएम की गाड़ी रोक बोले बिना जांच के नहीं जाएगी कोई गाड़ी। प्रतापगढ़ में सबसे पहले आएगा रामपुर खास का नतीजा, आराधना मिश्रा की सीट पर सबकी निगाहें। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।